आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी विजय। शहजादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों आराम से जिंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोर चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। न कोई फिक्र थी न कोई चिंता थी, लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाए थे। उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवश खां नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मशहूर ने उसे नज़रबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलिका उसके मशवरे के बगैर कोई काम ना करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज बनाया जो महज इशारे से चलता था। एक सेकंड में हजारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलिका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत को निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसला मंदों के लिए है, उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलिका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगा, यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे रूखा फीका मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी जिंदगी के वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्य को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता, आह मेरी हस्ती कितनी नाचीज है। उसे मलिका के मंसूबों और हौसलों से जरा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए, दरबारियों में गिरोह बनने लगे, जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी धीरज ना था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छिपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों वर्षों हो गए, किसी को उनकी खबर न मिली। मलिका मकबूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लदकर राजधानी को आने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे बगावत के झंडे करने लगे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ाया, मगर अजब फौज थी। न कोई हरबे हथियार न तोपें, सिपाहियों के हाथों में बंदूक और तीर तुपुक के बजाय बरबर तंबूरे और सारंगियां, बेले सितार और ताउस थे। तोपों की धन गर्जन सदाओं के बदले तबले और मृदंग की कुमुक थी। बम गोलों की जगह जल तरंग, आर्गन और आर्केस्ट्रा था। मलका मकबूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज कर्ण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह पौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की मूर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आँखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियाँ बजा बजा कर नाचने लगे, सर हिला हिला कर उछलने लगे, फिर सब के सब बेजान लाश की तरह गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही ही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में यह आवाज़ें गईं
वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर न आता था। ऐसे मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का तिलिश्म है। मल्लिका अपने जहाज पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज नीचे उतारा कि देखूं तो क्या माजरा है, पर उन आवाजों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा और गाने बंद हो गए तो मल्लिका की आंखें खुली, जैसे कि किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही अलाप, वही लुभावने वाले गीत। हाय, वह आवाजें कहाँ गईं? कुछ परवाह नहीं, मेरा राज जाए, पार जाए, मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हम भी वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आज़ादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही ताने, वही धुने। सूबेदार लोचन दास को जब कर्ण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मल्लिका ने आपकी जान तोड़ मुकाबला करने की ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचन दास के मुकाबले में खड़ा किया, मगर वह रही हमलावर फौज। न कहीं सवार, न कहीं प्यादे, न तोप, न बंदूक, न हरबे, न हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भांडों और बहरूपियों के गोल। मोर्चों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे पड़े थे। कहीं हीरे जवाहरात अपनी आफताब दिखा रहे थे, कहीं तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइशें खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीजें, झरने और बर्फ स्थानी चोटियां और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या ईस्टर्न की मंडियां, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियां, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर, काफ की परियां, लैपलैंड के सुमरपोश इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मल्लिका की फौज यह नज़ारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल ना रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचे उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए। कोई नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रीझा, कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोड़ देखने लगे और सब के सब चित्र लिखित से मंत्रमुग्ध खड़े रह गए। मल्लिका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मल्लिका की आँखें खुली। उसने कहा, हाय, वह तमाशे कहाँ गए, वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए। मेरा राज जाए, पार्ट जाए, लेकिन मैं यह सैर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में क्या क्या मजे हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम वही सैर और तमाशे देखेंगे, हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं, हमको आज़ादी की परवाह नहीं, हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर नहीं रह सकेंगे। मल्लिका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, क्या इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर शाह मसरूर ने यूँ किनारा ना कर लिया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी ना होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम ना होंगी? यहाँ से दम दम की खबरें उनके पास आ जाती हैं, मगर जरा भी जुम्बिस नहीं करते, कितने बेरहम हैं। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूँगी, पर उनकी मिन्नत ना करूँगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दृश्यों को देखती तो यह दुखदायी विचार भूल जाती। उसे अपनी ज़िंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुलहवश खान ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ,
नफरत अली और कीन खां और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। तब तक और कुमक ना आए, मैं मजबूर हूँ, पर मलिका की फौज यह सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी ना होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने फिर बगावत की, मिर्जा शमीम और रसराज सिंह, दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलिका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता, गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम तलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजा कर मैदान में निकले। दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इतर की शीशियाँ, किसी के हाथ में गुलाब के फव्वारे, कहीं लेवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अत्तार की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी, उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तस्त थे, जरबफ्त के खन पेशों से ढके हुए, किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कोरमे और कबाब, किसी में खुरबानी और अंगूर, कहीं कश्मीर की नेमतें सजी हुई थी, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी, और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थी। मलिका की फौज या संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा और कोई मलाई पर टूटा, किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुरबानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिकमंगों की तरह हाथ फैलाए यह नेमतें मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी, एक एक कौर के लिए, एक एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक प्याले के लिए खुशामदे करते थे, नाकें रगड़ते थे, सिजते करते थे। यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा छा गया, बेदम होकर गिर पड़ी। मल्लिका भी इटली के मरब्बों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, पाट लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मल्लिका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से निजात न मिलती कि कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा समीम की खुशामत करती, इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, जब कभी इस मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर साहब मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब इसी हालत पर चैन आता था। अभी तक बुलहवश खां की स्वामी भक्ति में फर्क न आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मलिका की फौज क्या ठहरती, पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलिका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलश्मी कैद खाने में बंद कर दिया। वह सेवक स्वामी बन बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहां संतरी और पहरेदार ना थे, लेकिन वहां की हवा में एक खिंचाव था। मल्लिका के पैरों में न बेड़ियां थी न हाथों में हथकड़ियां, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी ना सकती थी। वह आप दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाया करती और समझती यह महल है, तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंथ लेती और समझती कि अब हूरें भी मेरे सामने मात हैं। वह दरख्तों से पूछती मैं कितनी खूबसूरत हूँ, शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है, मिट्टी की ठीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती इतनी दौलत तुमने देखी है। मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लोचन दास वगैरह हर दम उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे।
ऐसा ना हो यह शाह मसरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा ना था। यहाँ तक कि मल्लिका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मल्लिका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई? जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बिठाते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस, मैंने शाह मसरूर का कहना ना माना, यह उसी की सजा है। काश एक बार मुझे किसी तरह इस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सिर रख देती और कहती, लौंडी की खता माफ़ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लेती और फिर कभी उनके हुक्म से इनकार ना करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खां की बातों में पढ़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी? यह सोचते सोचते मल्लिका रोने लगी कि यकायक उसने देखा, सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े पहने खड़ा है। मल्लिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष, हाँ, इस कैद खाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो तो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद दूँ। मल्लिका, आपका नाम? पुरुष, संतोख सिंह। मल्लिका, आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोख, हाँ, मेरा तो काम ही यह है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मल्लिका, मैं आपके हुक्म से जो भर भी इधर उधर ना करूँगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए, मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। संतोख, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मल्लिका, मैं शाह मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वह आजकल कहाँ है? संतोख, हाँ मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ, उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मल्लिका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द से जल्द ले चलिए, मुझे अब यहाँ एक घड़ी रहना जी पर भारी हो रहा है। संतोख, अच्छा तो यह रेशमी कपड़े और यह जवाहरात और सोने के जेवर उतार फेंक दो। बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जकड़ दिया है, मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके पहन लो। इन मिट्टी के घरौंदों को गिरा दो। इतर और गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ और यह पाउडर के डब्बे सब फेंक दो। मल्लिका ने शीशियों और पाउडर के डब्बे तड़ाक तड़ाक पटक दिए, सोने के जेवरों को उतार कर फेंक दिया कि इतने में बुलहवस खां धाड़े मार मार कर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांध कर कहने लगा, दोनों जहानों की मल्लिका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ, आप मुझसे नाराज हैं। मल्लिका ने बदला लेने के अपने जोश में मिट्टी के घरौंदों को पैरों से ठुकरा दिया, ठीकरों के अंबार को ठोकरे मारकर बिखेर दिया। बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहां नुम रसीद हुआ। संतोख सिंह ने मल्लिका से कहा, देखा तुमने, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी, आन की आन में खाक में मिल गया। मल्लिका, काश मुझे यह हिकमत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी और भी तो दुश्मन हैं। संतोख, उनको मारना इससे भी आसान है, चलो कर्ण सिंह के पास। जो ही वह अपना सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज़ें सामने आती हैं। मल्लिका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से धुपद और तिल्लाने के वार होने लगे, पियानो बजने लगे। मल्लिका ने दोनों कान बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा, सारे दरबारी जलने लगे। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनयपूर्वक मल्लिका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें, कानों पर से हाथ हटाकर, वरना इस गरीब की जान पर बना आएगी। अब कभी हुजूर की शान में यह गुस्ताखी ना होगी। मल्लिका ने कहा, जा, तेरी जान बख्शी की, अब कभी बगावत ना करना वरना जान से हाथ धोएगा।
कर्ण सिंह ने संतोख सिंह की तरफ प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम तुझे मौत भी नहीं आई, और बेतहाशा गिरता पड़ता भागा। संतोख सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इनको मारना कितना आसान था। अब चलो लोचन दास के पास। ज्यों ही वह अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना। मल्लिका लोचन दास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। ड्रामे होने लगे, नर्तकों ने थिरकना शुरू किया। लालो जुमूर्द की कश्तियां सामने आने लगी, लेकिन मल्लिका ने दोनों आंखें बंद कर ली। आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह तमाशा देखो, यह पेरिस के कहवे खाने, यह मिस एलिन का नाच है। देखो अंग्रेज रईस उस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने यह सैर तमाशे ना देखे उसकी जिंदगी मौत से बदतर है। लेकिन मल्लिका ने आंखें ना खोली। तब लोचन दास बदहवाश और घबराया हुआ बेत के दरख्त की तरह कांपता हुआ मलका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बन आएगी। गुलाम की गुस्ताखियां माफ फरमाइए, अब यह बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी, लेकिन खबरदार अब सर ना उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचन दास यह सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा, पीछे फिरकर भी ना देखा। संतोख सिंह ने मलका से कहा, अब चलो मिर्जा शमीम और रसराज के पास, वहां एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों के तस्त को जमीन पर गिरा देना। मल्लिका रसराज और शमीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोख को मलका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्जा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू की। रसराज स्वादिष्ट खानों के तस्त सजा सजा कर मलका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ करने लगा, यह पुर्तगाल की तीन आंस दी हुई शराब है, इसे पिए तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। यह फ्रांस का शैंपेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यह मथुरा के पेड़े हैं, इन्हें खाए तो स्वर्ग की नेमतों को भूल जाए। लेकिन मलका ने एक हाथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तस्तों को जमीन पर गिरा दिया और बोतलों को ठोकरें मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थी दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर मिर्जा शमीम और रसराज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग अंग टूटा हुआ आकर मलका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर गुलामों पर रहम करें, हुजूर की शान में जो गुस्ताखियां हुई हैं उन्हें मुआफ फरमाएं, अब फिर ऐसी बेअदबी ना होगी। मल्लिका ने कहा, रसराज को मैं जान से मारना चाहती हूँ, इसके कारण मुझे जलील होना पड़ा। लेकिन संतोख सिंह ने मना किया, नहीं इसे जान से ना मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। यह आपके सब सूबेदार अपने काम में यकता हैं, सिर्फ इन्हें काबू में रखने की जरूरत है। मल्लिका ने कहा, अच्छा जाओ, तुम दोनों की भी जान बख्शी की, लेकिन खबरदार आप कभी उपद्रव मत खड़ा करना, वरना तुम जानोगे। दोनों गिरते पड़ते भागे, दम के दम में नजरों से ओझल हो गए। मल्लिका की रियाया और फौज ने भेंटे दी, घर घर शादियाने बजने लगे। चारों बागी सूबेदार शहर पनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ गए। लेकिन संतोख सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्रिया की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों को कोई उम्मीद न रही, वह निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मल्लिका ने संतोख से कहा, मेरे पास अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। आपने मुझे गुलामी ताकत से छुटकारा दिया, मैं आखिरी दम तक आपका जस गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चलिए, मैं उनकी सेवा करके अपनी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत जिल्लत और मुसीबत झेली है, अब कभी उनके कदमों से जुदा ना होंगी।
संतोख सिंह, हाँ हाँ चलिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मलका ने हवाई जहाज मंगाया, पर संतोख ने कहा, वहाँ हवाई जहाज का गुजर नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा। मलिका ने मजबूर होकर जहाज वापस कर दिया और अकेले अपने स्वामी को मनाने चली। वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे, कांटों से पैर छलने हो गए। उसने अपने मार्गदर्शक से पूछा, अभी कितनी दूर है? संतोख, अभी बहुत दूर है, चुपचाप चली आओ, यहाँ बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमान पर बादल छा गए, सामने एक नदी पड़ी, किश्ती का पता ना था। मलिका ने पूछा, किश्ती कहाँ है? संतोख ने कहा, नदी में चलना पड़ेगा, यहाँ किश्ती कहाँ? मलिका को डर मालूम हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आँख का धोखा था, वह रेतीली जमीन थी। सारी रात संतोख सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम न लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मलिका ने रोककर कहा, अभी कितनी दूर है, मैं तो मरी जाती हूँ। संतोख सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली आओ। मलिका ने हिम्मत करके फिर कदम बढ़ाए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों ना जाऊँ, पर नाकाम ना लौटूंगी। उस कैद से बचने के लिए वह कड़ी मुसीबतें झेलने को तैयार थी। सूरज निकला, सामने एक पहाड़ नजर आया जिसकी चोटियां आसमान में घुसी हुई थी। संतोख सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर शाह मशरूर मिलेंगे, चढ़ सकोगी? मल्लिका ने धीरज से कहा, हाँ चढ़ने की कोशिश करूंगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजबान पैरों में पर लगा दिए। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते आते वह थककर बैठ गई, उसे गश आ गया, मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोख सिंह ने कहा, एक दफा और हिम्मत करो, दिल में खुदा की याद करो। मलिका ने खुदा की याद की, उसकी आंखें खुल गई, वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सांस ली, वहां शुद्ध हवा में सांस लेते ही मलिका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा, ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूं तो हवा में उड़ सकती हूं। उसने खुश होकर संतोख सिंह की तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। शरीर वही था पर चेहरा शाह मशरूर का था। मल्लिका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोख सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मल्लिका को वहां शाह मशरूर बड़े नजर आए। वही हल्का नीला कुर्ता, वही गेरुए रंग की तरह, उनके मुख मंडल से तेज की कांति बरस रही थी, माथा तारों की तरह चमक रहा था। मलिका उनके पैरों पर गिर पड़ी, शाह मशरूर ने उसे सीने से लगा लिया। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी विजय। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।